दोस्तों, अगर आपके पास भी Redmi 5A मोबाइल है, अगर आप उससे इंटरनेट से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैं आपको दो तीन सेटिंग्स बताने वाला हूँ Redmi 5A मोबाइल के बारे में, जिससे कि आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो वीडियो को जो है देखते रहना। और यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, हाथ से पकड़ के फ़ोन बना रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ जरूर आपके बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। आपको जो इंटरनेट से प्रॉब्लम जो आ रहा है ना Redmi 5A मोबाइल में, उसको मैं बिल्कुल ही आपको हटा दूंगा और आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो जो सेटिंग मैं बताऊँगा उसको ध्यान से देखना और अपने फोन में उसको अप्लाई कर देना। आपको बेनिफिट अगर मिल जाए तो मेरे वीडियो में दोबारा आइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिला है, और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते मोबाइल के स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको सेटिंग अपने Redmi 5 मोबाइल में कर देना है। तो चलते मोबाइल के स्क्रीन पे, फिर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैं आ गया अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको जिस प्रकार से मैं बताने वाला हूँ Redmi 5A मोबाइल में, उसी प्रकार से आप लोग को अपने फ़ोन में अप्लाई करना है सेटिंग्स को। तो एक भी सेटिंग्स को मिस्टेक नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपका इंटरनेट नहीं स्पीड हो पाएगा, तो फिर मुझे नीचे गाली भी आप दे दोगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है। जो मैं बताऊँगा उसी प्रकार से आपको सेम टू सेम कर देना है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले सबसे पहले आपको क्या होना है, तो उसको करने के लिए सेटिंग्स में आना होगा। तो आपको सेटिंग्स में आ जाना है और सेटिंग्स में आने के बाद में आपको सबसे फर्स्ट में ही अबाउट फोन का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपल आपको अबाउट फोन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा इंटरनल स्टोरेज का। सबसे फर्स्ट पे आपको इस पर 6 से 7 बार एक साथ क्लिक करना है। हो सकता है आपको ये सेटिंग्स के बारे में पता होगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैंने जैसा कि वादा किया था आपसे कि 2 से 3 सेटिंग्स आपको बताऊंगा, तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे 6 से 7 बार एक बार क्लिक करना है इंटरनल स्टोरेज पे। तो आपको यहाँ पे टेस्टिंग का एक ऑप्शन आएगा, मैं फिर से आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे इंटरनल स्टोरेज पर 6 से 7 बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टेस्टिंग का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है कि फोन इन्फॉर्मेशन 1 एक ऑप्शन मिलेगा एंड फोन इन्फॉर्मेशन 2 एक ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, आप अपने सिम कार्ड कहाँ पे लगाए हो, कौन से स्लॉट में लगाए हो, उस पर आपको देखना है। और जिस पे आप इंटरनेट चला रहे हो, जैसे कि सिम कार्ड 2 पे आप लगाए हो और उस पर इंटरनेट चला रहे हो, तो आपको सिम कार्ड 2 पे क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन मिलता है सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का। सिंपल आपको यहाँ पे एक एरो बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे स्क्रॉल करके LTE ओनली का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपल ऐप पे LTE ओनली कर देना है, क्योंकि आपके फोन में क्या होता है कि आपका नेटवर्क कवरेज जो है कम ज्यादा होता रहता है, इससे आपके फोन का इंटरनेट स्लो हो जाता है। अगर आप LTE ओनली पे कर देते हो तो सब कुछ डिसेबल करके 4G कनेक्ट कर लेगा और उसके बाद आपका इंटरनेट बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा आपके Redmi 5A मोबाइल में। तो ये तो हो गया फर्स्ट सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे रन पिंग टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है, रन कर देना है। उसके बाद फिर से नीचे आना है और यहाँ पे SMSC का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके सामने एक अपडेट एंड रिफ्रेश का बटन मिलेगा। पहले अपडेट करना है, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है। इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद आपको सेकंड जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको फिर से सेटिंग्स में ही आना है। और यहाँ पे आने के बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का। सिंपल आपको इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद में आपका जो सिम कार्ड लगा होगा, आपके फ़ोन में 2 लगा होगा या तो 1 लगा होगा, तो यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे फ़ोन में 1 ही लगा है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप कौन से सिम पे इंटरनेट चला रहे हो, उस पर आपको टैप कर देना है। तो मैं वोडाफोन पे टैप कर देता हूँ। आप जिस पे इंटरनेट चला रहे हो उसी पर आप टैप करिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम्स का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो डिफॉल्ट APN है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा और वो अप्लाई भी होगा, तो उसके सामने एक एरो का बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से डिफॉल्ट APN मिलेगा। ये कोई सा भी सिम कार्ड हो उसे मतलब नहीं है, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, जियो हो, कुछ भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है। आपको मैं जो बताने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने सिम पे कर देना है, एक्सेस पॉइंट नेम के सेटिंग्स में आकर के कर देना है। तो उसके लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा बियरर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में अनस्पेसिफाइड पर से अनटिक करके यहाँ पे टिक होगा, इसको अनस्पेसिफाइड पर से अनटिक कर देना है। मैं इस पर अनटिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे LTE पे टिक करूंगा, उसके बाद HSPA पे टिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे HSPA पे टिक करूंगा फिर से और यहाँ पे HSUPA पे टिक करूंगा। यहाँ पे जो है आपको GPRS टैग टिक कर देना है। आप हो सकता है तो अपने फोन में सारा को आप टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस इतना ही करने वाला हूँ, आप देख लीजिएगा आपको सारा कुछ करना है या तो जितना मैंने किया उतना ही आपको करना है। तो यहाँ पे मैं इसको ओके करके सेव कर देता हूँ। अगर आपके फोन में इतना ज्यादा बियरर सपोर्ट नहीं कर पाए तो सिंपल आप यहाँ पे LTE को रख सकते हो, उसके बाद ओके करोगे तो सपोर्ट कर लेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका काम भी खत्म हो गया। उसके बाद आपको एक
सेटिंग और मैं आपको बता दूं, बहुत ही नॉर्मल सा सेटिंग है लेकिन बहुत ही काम का है। तो उसके लिए फिर से आपको सेटिंग्स में ही आना है और यहाँ पे आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे VoLTE इनेबल्ड लिखा होगा, ये अगर आपके फ़ोन में टर्न ऑफ होगा तो इसको ऑन कर दीजिएगा, इससे आपके फ़ोन में जो है इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो वीडियो बस इतना ही बताने वाला था, इसको करके आप देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए और इसको करके देखिए, जरूर से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, तो ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।